हे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंसान आखिर क्यों धोखा देते हैं अपने लव पार्टनर को। देखिए दोस्तों, कोई भी प्यार में पड़ते हैं धोखा खाने के लिए नहीं, ठीक है। धोखा खाना बिल्कुल ही बुरी किस्मत वालों का ही होता है, लेकिन दोस्तों धोखा देने का कुछ रीज़न होता है, साइकोलॉजिकल कुछ रीज़न होता है। तो अगर आप सारे रीज़नों को जान लोगे तो आगे चल के आपको कोई भी धोखा नहीं देगा या आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आऊँगी कि लोग क्यों धोखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि उन सब प्रॉब्लम से आप कैसे सलूशन निकाल के बच सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी धोखा ना दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों बोर हो जाना। देखिए दोस्तों, इंसान जब प्यार में पड़ते हैं तब उसके दिमाग से डोपामिन हार्मोन का रिलीज होता है और इससे बहुत ही उसे मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका रिलीज होना कम हो जाता है, यानी कि डोपामिन हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाता है, तब लोग बोर हो जाते हैं। तो इस बोरिंगनेस से वो धोखा दे जाते हैं नए कोई मज़े की तलाश में। तो इससे आप कैसे बच सकते हो ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको सारे रीजंस बताते चल रही हूँ, ठीक है। दूसरा है दोस्तों ओवर कंट्रोलिंग। मतलब क्या, आप अगर प्यार में पड़ते हो तो आप अगर किसी को कंट्रोल करना चाहोगे कि आपके हिसाब से उसको चलाना चाहोगे कि ऐसे चलो ऐसे करो, इससे मत बोलो, ये करो वो करो, तो इससे इंसान बोर हो जाता है और इससे भी धोखा दे जाते हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों अपमानित होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लव पार्टनर को अपमान करोगे बार बार तो वो आपको धोखा देगी। कोई भी इंसान अपने लव पार्टनर से अपमानित होना नहीं चाहते हैं, तो अपमानित होना भी बहुत बड़ी एक रीज़न है। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों फिजिकली रिलेशनशिप बिल्कुल भी ना होना। देखिए दोस्तों, जब लोग प्यार में पड़ते हैं तब थोड़ी बहुत फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, लेकिन कोई 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 होते हैं जो बड़े ही पवित्रता दिखाते हैं, जो जिनके हिसाब से टच करना भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गंदी बात है। तो इस टाइप के अगर लड़कियां हो या लड़के हो तो इससे दूसरे पार्टनर ऊब जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि फिजिकल रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर रहना भी ब्रेकअप का कारण हो सकता है, धोखे का कारण हो सकता है। तो दोस्तों पांचवी जो पॉइंट है वो है दोस्तों बात बात पे झगड़ा होना। दोस्तों किसी किसी के रिलेशनशिप में बात बात में झगड़ा होते हैं, हर बात में बात का बतंगर बन जाते हैं और झगड़ा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है धोखा दे जाने की। छठी जो पॉइंट है दोस्तों वो है रिस्पेक्ट ना करना। अब दोस्तों अपमानित होना और रिस्पेक्ट ना करना, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। रिस्पेक्ट ना करने का मतलब है उनकी बातों की वैल्यू नहीं करना, ये हो गया डिसरिस्पेक्ट करना। तो रिस्पेक्ट ना करने की वजह से भी लोग धोखा दे जाते हैं। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है इनसिक्योरिटी। किसी किसी को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा, तो ये सोच के भी लोग धोखा दे जाते हैं। सोचते हैं कि हमें छोड़ के तो चला जाएगा, इससे पहले हम ही छोड़ के चले जाए, तो ऐसे भी लोग धोखा दे जाते हैं। आठवीं जो पॉइंट है दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है, ये है दोस्तों ओवर इमोशनल होना। मतलब आप अगर अपने लव पार्टनर के सामने ओवर इमोशन दिखाओगे तो वो बोर हो जाएगा, आपको उतना रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा और वो आपको धोखा दे सकती है। तो ये रही आठ पॉइंट, इससे लोग धोखा दे सकता है या देता है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और जानेंगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें कभी सामने वाले हमारे लव पार्टनर, हमारे जो हस्बैंड है या वाइफ है, हमें कभी धोखा ना दे। तो हम इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है दोस्तों जो मैं बताई थी बोर हो जाना। तो बोर कैसे हम नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए कोई रिलेशन में आते हैं तो सब कुछ नया लगता है, तब एक्साइटमेंट बनी रहती है। अब एक साल दो साल चलने सभी अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जान लिए होते हैं तो इससे इंसान बोर हो जाते हैं। तो करना ये चाहिए, तो कुछ नया हमेशा ट्राई करना चाहिए। अपनी हेयर स्टाइल का कभी लुक बदलना चाहिए, तो कभी अपने बात करने का स्टाइल, तो कभी ऐसे करके धीरे धीरे खुद को थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। और वैसे दोस्तों परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो आप भी खुद को अपग्रेड कीजिए, जैसा आप पहले थे उससे आप सुधार कीजिए। चेंज मतलब क्या, अच्छा चेंज कीजिए जिससे आप अपग्रेडेड हो। और कुछ सरप्राइज वगैरह भी आप देने की
कर सकते हो कि कभी कभी आपको सरप्राइज़ दे दे, तो ये भी है एक नई एक्साइटमेंट, इससे लोग धोखा नहीं देती है। दूसरा है दोस्तों जो बोली थी ओवर कंट्रोलिंग। दोस्तों एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, प्यार इक्वल्स टू आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, प्यार आज़ादी से ही पनपती है, ठीक है। प्यार आज़ादी में ही खिलते हैं प्यार का फूल। तो अगर आप बंधन दोगे तो आपके पार्टनर बंधन महसूस करेगा और प्यार का फूल जो है वो खिलने से पहले ही झड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे धोखा मिल सकता है। तो आप हमेशा अपने लव पार्टनर को आज़ादी देना सीखिए, इससे आपको धोखा खाने का चांसेस जो है आपका वो बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों अपमानित होना। जो बोली में कभी भी मजाक में भी अपने लव पार्टनर को अपमान नहीं करना, कभी नहीं। अपमान मतलब क्या? दूसरों के सामने मजाक उड़ाना, उसको नीचा दिखाना, ये सब, ठीक है। तो ये सब आप मजाक मजाक में भी कभी कभी करते हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। तो ये आप कभी भी ना करें, भूल से भी ना करें। किसी को भी आप, किसी भी लव पार्टनर को आप, वो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, और ये जो सारे मैं पॉइंट्स बताई ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही समान उपयोगी है, ठीक है। तो आप कभी भी अपने लव पार्टनर को अपमान ना करें, मजाक में भी नहीं। चौथी दोस्तों फिजिकल रिलेशनशिप। वो अगर बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, तो आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकती है या फिर आपको छोड़ के जा सकती है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और उसको सच्चा प्यार करते हो, तो थोड़ा बहुत फिजिकल रिलेशन करना कोई पाप तो नहीं है। और वैसे ये आप लोग अपने हिसाब से सोच लेना, देखना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही अगर आप पवित्रता दिखाओगे, अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आपके टच से ही सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसा अगर आप दिखाओगे तो कितने दिन तक दूसरे पार्टनर आपको झेलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, दोनों की सहमति से आप लोग अगर सच्चा प्यार करते हो तो थोड़ा बहुत फिजिकल होना तो बनता है, ठीक है। पांचवी जो है दोस्तों बात बात पे झगड़ा। अगर आपकी झगड़ा करने की आदत है तो अभी से ही सुधार लो इसको। झगड़ा करना बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झगड़े से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो दिमाग से रिलीज होता है, और वो बिल्कुल ही स्ट्रेस हार्मोन है। इससे तनाव पैदा होता है और रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना, झगड़ा नहीं करना। छठी जो पॉइंट है दोस्तों, रिस्पेक्ट ना करना। तो रिस्पेक्ट हमेशा करिए अपने पार्टनर को, वो फीमेल हो या मेल हो, हमेशा आप रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अब रिस्पेक्ट कैसे करना है, उसकी बातों की वैल्यू करनी है। अगर वो कुछ बोल रही है तो उसके बातों की आप वैल्यू करिए, ठीक है। उसको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट महसूस मत करवाइए। आप हमेशा ये जताइए कि आप उसे रिस्पेक्ट करते हो, और जताइए नहीं, कभी कभी आप बताइए भी कि आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं बताई थी रोमांटिक लव जो सेंटेंस है उसमें से एक था कि आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ये रोमांटिक भी है, बहुत अच्छा भी है बात की रिस्पेक्ट करना और ये बताना भी। वो वीडियो भी आपके लव रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप देख लेना, ठीक है। तो सातवीं जो पॉइंट है दोस्तों, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब है उनको लगता है कि आप उन्हें छोड़ दोगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ये आपकी ही हरकतों से हुआ है। आप ऐसा कुछ किए हो या बताए हो, इसी से उसको लगे होंगे कि आप उसे छोड़ के जा सकते हो। तो इसको आपको ही दूर करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा उसके सामने रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, मरते दम तक मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, ऐसे नहीं। लेकिन आपको ये जताना है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। बार बार बताने से आपका रिस्पेक्ट घटेगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, या फिर तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, ये सब भी बताना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे भी आपका इमेज जो है वो डाउन होता है। तो ऐसा आप मत बताइए, लेकिन आप जताइए। एक एटीट्यूड ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे उसको हर टाइम सिक्योर फील हो, और वो उसको लगे कि चाहे कुछ भी हो ये बंदा मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा हर मुसीबत में। जो आठवीं पॉइंट है वो है दोस्तों ओवर इमोशनल। जो मैं अभी बताई कि रोना गिरगिराना नहीं, ओवर इमोशनल अगर आप हो जाओगे, अगर आप ज़्यादा इमोशन दिखाओगे तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रहेगी, वो आपको वैल्यू नहीं देगी। तो ओवर इमोशन आप बिल्कुल भी ना दिखाना, ठीक है। इमोशन थोड़ा बहुत दिखाना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल कभी भी प्यार में नहीं होना। तो दोस्तों जो मैं आठ पॉइंट बताई, इसी कारण से लोग धोखा देते हैं, और जो आठ सोल्यूशन बताई उसको अगर आप
सही से अपने लाइफ में इस्तेमाल करोगे तो कोई भी आपको धोखा देके नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ये चैनल बिल्कुल नई है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। आपके लव रिलेशन के हेल्प के लिए ये बहुत ही कारगर होगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।